हेलो दोस्तों, आई सिद्धांत, वेलकम बैक यू इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल दोनों में देख लिया होगा कि आज हम अपनी स्कूटी में ग्रैब हैंडल्स को ब्लैक कलर करने वाले हैं। तो मैं दिखा देता हूँ कि मैं ये आफ्टर मार्केट से स्प्रे पेंट लाया हूँ, ये कोई शैम्प्रो कंपनी के तरफ से आता है। तो ये मुझे 120 का पैक एक डब्बा मिला है। तो चलिए सीधे चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, आपको उसी में दिखाता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि स्प्रे पेंट कैसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए अपने सीधे स्कूटी की तरफ चलते हैं और अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले, अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए अपन अपने सीधी स्कूटी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये मेरी एक्टिवा खड़ी है। तो आज हम लोग इसी ग्रैब हैंडल में ब्लैक कलर करने वाले हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, हल्के फुल्के स्क्रैच आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ऐसा ही, क्योंकि मेरी गाड़ी को अप्रॉक्स 5 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं। तो मैं इसे ब्लैक करने वाला हूँ और ब्लैक थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगेगा, इसलिए मैं इसे ब्लैक करने वाला हूँ। आपके पास दो तरीके हैं, आप इसको पूरी गाड़ी को मास्किंग करके भी इसे कलर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसे हटा के। पर एक्टिवा में हटाना है तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें नीचे से खोल के इसके नीचे से स्क्रू निकालने पड़ते हैं। अगर एविएटर है तो आप इसमें लकी हैं, आपको डायरेक्ट यहीं पर स्क्रू मिल जाएगा और खोल सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने अपनी गाड़ी में मास्किंग करने वाले हैं। तो मास्किंग करने से पहले हम लोग को अपनी ये रेलिंग हटानी होगी, क्योंकि ये थोड़ी दिक्कत देगी तो इसमें भी कलर लग सकता है, इसलिए मैं इसे साइड ही कर दूंगा, कोई इतना झंझट नहीं लूँगा। तो अब हम मास्किंग, हम लोग अपनी स्कूटी की पूरी रेलिंग हटा चुके हैं। तो अब हम इसको करने से पहले पहले अपनी सीट भी हटा देंगे पूरी, और इसके ग्रैब हैंडल को हम लोग चाहे तो पानी से या फिर अल्कोहल से साफ कर देंगे। तो अब हम मास्किंग करते हैं, तो मैं दिखा दूँ, मैं मास्किंग करने के लिए ये न्यूज़पेपर ले आया हूँ, तो इसी से हम लोग पूरी मास्किंग करते हैं, फिर आपसे सीधे मिलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल अच्छे से मास्किंग कर दी है, हर बस उतना एरिया छोड़ा है जिसमें हमें पेंट करना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ढंग से उस जगह मार्किंग थी है जहाँ पर हमारा ब्लैक पेंट लग सकता है। साथ में मैंने एक थिनर की बॉटल भी ले ली है कि बाई चांस कहीं लग जाएगा तो उससे मैं छुटा लूँ। तो दोस्तों, ये एक हिंट है, मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको स्प्रे यूज़ करना है। जैसे ये स्प्रे है तो ये ऐसे करके देना, ये नहीं कि ऐसे ऐसे लगातार देना है। तो देख लिया आपने, चलिए अब सीधे अपने इसमें पेंट करते हैं अपने ग्रैब हैंडल, फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि मास्क ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि इससे सफोकेशन फील हो सकता है। तो देखिए, मैंने मास्क लगा लिया और ये घर में आजकल बहुत कॉमन है, हर के पास मिल जाएगा। तो चलिए स्प्रे करते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि पहला कोट ऊपर से हो चुका है बिल्कुल ढंग से, ये पहला कोट है। तो अब हम दूसरा कोट थे कि अभी यहाँ पे नहीं हो, यहाँ और करते हैं, ऐसे करते पूरा इनमें करते हैं, फिर आपको दूसरे कोट के बाद। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे से हमने कर दिया है, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है अभी, फिनिशिंग बहुत बढ़िया आई है। पहला ही कोट था, अब हम सूखने के बाद इसमें दूसरा कोट करेंगे। तो रुक जाते हैं थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला कोट बिल्कुल सूख चुका है बिल्कुल ढंग से। तो अब हम इसमें करते हैं दूसरा कोट, फिर दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा सेकंड कोट भी बिल्कुल तरीके से सूख गया, बिल्कुल अच्छे से। तो अब मैं आपको इसकी फिनिशिंग दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं कितना शाइनी और ग्लॉस पेंट है, बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करता हूं, अगर आपके आफ्टर मार्केट में या फिर किसी लोकल शॉप में मिल रहा है तो आप वहाँ से ले लीजिए, वरना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे के रखी है, अगर मुझे ये मिल गया तो मैं आप वहाँ से ले लीजिए, मैंने दूसरे के भी दिए हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसके फुट रेस्ट भी कलर कर दिया है। तो आपको ये फ़ोटो दिख रही है पहले की है, और अब ये जो दिख रहा है ये बिल्कुल नया, अभी मैंने पेंट किया। तो अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पहले बहुत ज़्यादा स्क्रैच आ गए थे। तो आप अब कुछ सिनेमैटिक शॉट्स की मजे लीजिए, उसके बाद मिलते हैं।
आप एंड तक आ चुके हैं। तो अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि अब स्कूटी थोड़ी कैसी लग रही है, कितना बढ़िया क्वालिटी है और ये पेंट काफ़ी अच्छा है। मैं रिकमेंड करता हूँ आप ऑफलाइन जाके खरीद सकते हैं, ऑनलाइन की अगर मुझे साइट मिलेगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से ले सकते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। और अगर आप लोग अभी तक मेरी वीडियो में बने हुए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही तरीके तरीके की मॉडिफिकेशन की वीडियो लाता रहता हूँ, व्लॉग और मोटो व्लॉग भी आते रहते हैं मेरे। तो चलिए अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो।